देख सकते हो ये हमारा राइस कुकर था, तो इसका भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो वाला भी क्या अच्छा निकल गया या फिर वो भी टूटा फूटा निकलेगा। तो डिलीवरी बॉय आता ही होगा, तो बने रहिए वीडियो पे। सामने जो गाड़ी है वही पे है हमारा रिप्लेसमेंट। और सा राइस कुकर, तो इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। तो गाइस, तो देख सकते हो हमने वही वाला पार्सल लेकर हमारे हाथ में है। तो ये हमने रिटर्न नहीं किया था, इसको हमने रिप्लेसमेंट किया था, तो इसके बदले वो हमने दे दिया, उसके बदले एक और सा सेम प्रोडक्ट आ चुका है। तो चलिए इसको करते हैं, मतलब अभी क्या बोलते हैं उसको, ओपन। और देख सकते हो चाकू, इससे हम किसी का भी कर सकते हैं। तो इधर चले आओ। नहीं गाइस, देख सकते हो ये वाला पैकिंग पिछले वाला से अच्छा किया फ्लिपकार्ट का लोगो। इधर बंदा क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए इधर देख सकते हो कुछ सील वगैरह लगा है इधर पे कुछ, तो इसको करते हैं ओपन। गाइस अगर आज भी ये टूटा फूटा निकला तो मैं हंसी बोल का दांत तोड़ दूंगा। कमॉन कमॉन, देख सकते हो गाइस आज फिर से उल्टा करके रखा। तो चलिए इसको निकलते हैं बाहर। तो इधर सेम एक बिल पेपर, मगर हाँ इसमें प्राइस देख सकते हो गाइस, मगर ये प्राइस नहीं था, ये उल्टा पुल्टा दे दिया क्या। चलो कोई ना, तो गाइस इसका प्राइस है 1700। तो देख सकते हो है ना, ये सभी चीज एक जैसे ही है। 1000 प्राइस कितना है? 1700 1700 rupees। गाइस देख सकते हो इधर पे सेम तरीके की ढक्कन, फिर भी इधर पे दो टूटा फूटा मतलब डैमेज निकला इधर पे, फिर भी ये वही सेम जाली टाइप का। तो गाइस देख सकते हो इधर पे लंबा सा एक वारंटी पेपर दे दिया, देख सकते हो ये कुछ काम का नहीं है, सिर्फ देता है वारंट पेपर। हाँ। काम नहीं लगते इसको। गाइस देख सकते हो वो पिछला वाला में एक कप नहीं था, तो इसमें एक कप आ गया, तो फ्लिपकार्ट ने ध्यान दिया है। थैंक यू फ्लिपकार्ट। चलो इधर पे ये चम्मच सेम टाइप का व्हाइट कलर का सेम चम्मच प्लास्टिक का। तो गाइस देख सकते हो फिर से टूटा, फिर से क्या है फ्लिपकार्ट का दिमाग खराब हो गया का, मतलब कुछ भी। चलो इसको कोई बात नहीं, ये तो चलेगा ना, इसको हम ठीक कर लेंगे, बहुत ताकत है। तो कम से कम ठीक हुआ थोड़ा सा, तो इसको रखते हैं साइड। तो आगे निकलते हैं, देख सकते ठीक ठाक थे मुकाबले। तो ये देख सकते हो इसके अंदर जो है ये और ये दोनों मिला के इधर पे हीट करता है, इधर पे ये दोनों मिला के हीट करता है, और हीट होने के बाद पानी जैसे उबलता है चावल बनाने के लिए, तो ऐसे ही सेम टाइप का। देखो ये पीछे वालों देखो इसका ठीक ठाक है क्या, तो ये देख सकते हो ये ठीक ठाक ही लग रहा है। तो ये पिछला वाला टूटा फूटा था, इसके लिए हम लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया था, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। चलो इसको करते हैं टेस्ट। ठीक है गाइस, ये है वर्म, मतलब अभी ये खाना बन चुका है, जब हम इसमें खाना लगाएंगे तो उस टाइम पे ये कुक जलेगा रेड लाइट, तो उस टाइम पे ये शायद हाँ नीचे रहेगा। जब खाना बन जाएगा पूरा, तो खाना पकने के बाद ऑटोमेटिकली पानी सूख के ये वर्म की जगह चला जाएगा। तो गाइस दिखाएंगे आप लोगों को खाना बना के कैसा होता है इसमें खाना, तो चलिए बने रहे वीडियो। देख सकते हो हमने इधर राइस धो के इधर रख दिया, तो पानी हमने दिया 1 लीटर और 500 ml। तो चलिए इसको बिठाते हैं, और इसको स्विच पहले इसको बिठा देते हैं। तो इसको ऐसे बिठाया जाता है कुछ इस तरह, देख सकते हो, और स्विच अभी कर देते हैं ऑन, ये वाला स्विच देख सकते हो इधर ऑन है, इधर कर देते हैं कुक, अभी ये कुक होगा। तो कुछ इस तरह है इधर का, तो ये कुक होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मतलब ये पानी सूख के पूरा चावल तैयार होके ऐप आ जाएगा। तो इसको
कर देते ढक्कन देके बंद। तो गाइस देखते हैं राइस होने के बाद कैसा होता है राइस। तो गाइस देख सकते हो इधर पे जैसे हमारा हंडी पे होता है खाना, तो सेम उसी तरह की से हो रहा है यहाँ पे। देख सकते हो इधर कुछ इस तरह, तो अंदर भी देख सकते हो। तो कुछ ही देर में खाना बन जाएगा, राइस बन जाएगा। देख सकते हो इधर पे कुक से लाइट हटके वार्म पे आ गया, और ये देख सकते हो ये ऊपर उठ गया ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं राइस कैसे बना। तो गाइस देख सकते हो राइस मतलब बहुत ही अच्छा बना, एकदम पूरा हंडी की जैसा। तो कुछ इस तरह बना। तो प्लेट में निकल के आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा बना असल में। तो गाइस देख सकते हो हमारा राइस कुकर से कितना सॉफ्ट। तो देख सकते हो कितना सॉफ्ट राइस बन चुका है। तो और मैंने कढ़ी बनाया, ये पनीर नहीं है, पनीर की तरह दिख रहा होगा। तो ये है अंडा को घोल के, मतलब पूरा तोड़ के घोल के उसके बाद बॉयल किया। बॉयल करने के बाद कढ़ी बनाया। तो यहाँ पे सलाद, ये है केशव सर की थाला शेरी तो ये है मेरा। तो चलिए खाते।